ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पृथ्वी महाराज भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी भौतिक वर की जरूरत नहीं है और वो उसका कारण जो है बता रहे हैं। तो अब आगे वो कहते हैं, हे भगवान, जो आपने वेदों के अंदर में अनेकों प्रकार के प्रलोभन प्रदान किए हैं वो भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो बाकी जीवों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं लेकिन आपकी भक्ति के लिए और भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कृपा करके मुझे वो वर जो है आप मत पूछिए, मुझे उन वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा है, या इमाम पुष्पिताम वाचम। क्या कहा है? या इमाम पुष्पिताम वाचम, मतलब वेदों के अंदर में कुछ ऐसे खंड हैं जहां पर जो वचन दिए गए हैं पुष्पिताम बड़े फ्लावरी हैं, मतलब जैसे फूल बड़े आकर्षित होते हैं उसी प्रकार से वेदों के इस खंडों के द्वारा, इस पोर्शन के द्वारा बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे संसार के अंदर में लोग जो हैं वेदों के इसी भाग के द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। वेदों के तीन विभाग होते हैं, देखिए, एक को कहते हैं कर्म विभाग, एक को कहते हैं ज्ञान विभाग, एक को कहते हैं उपासना विभाग। संस्कृत में विभाग की जगह में जो शब्द का प्रयोग है उसे कांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये तीन विभाग वेदों के हैं। तो ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए भगवान की भक्ति है। ये केवल एक प्रलोभन है लोगों के लिए कि तुम नास्तिक मत बनो। अगर तुम भौतिक संसार को भी भोगना चाहते हो, नास्तिक की भांति मत भोगो। जैसे हिरण्यकश्यप असुर की भांति था, रावण असुर की भांति था, बिना धर्म के नियम के पालन के ये लोग जो है भौतिक संसार को भोगना जो चाहते हैं वो असुर कहलाते हैं। जैसे रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं धरती से स्वर्ग लोक के लिए सीढ़ी बना दूंगा, स्टेयरकेस बना दूंगा, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग लोक को चला जाएगा। ये लोग नास्तिक हैं, संसार भोगना चाहते हैं लेकिन जैसे वेदों में दिया है धर्म के अनुसार वैसे नहीं, अधर्म के द्वारा भोगना चाहते हैं। तो ये तो अलग हो गए। लेकिन जो लोग भौतिक बहुत सारी इच्छा रखते हैं, अब उनके लिए भी एक भाग है वेदों के अंदर में कि भाई तुम नास्तिक मत बनो, आस्तिक रह करके धर्म के नियमों का पालन करके तुम संसार को भोगने का प्रयास करो। बाद में धीरे धीरे जब तुम्हारा मन इन सब चीज़ों से चला जाएगा कि भाई क्या भोग में रखा है, सब टेम्परेरी है, नश्वर है, तब तुम उस भाग से थोड़े ऊपर वाले भाग पर आ जाओ। मतलब पहले कर्म कांड में, कर्म विभाग में,
कि वेदों के अंदर में अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए हैं कि तुम अगर इस प्रकार का यज्ञ करोगे, इस प्रकार का व्रत करोगे, इस प्रकार की तपस्या करोगे, इस देवी का व्रत करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हें बुद्धि की प्राप्ति होगी, तुम्हें सरस्वती माता की कृपा की प्राप्ति होगी, तुम्हें धन संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रलोभन है लोगों को आस्तिक बनाने के लिए, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, यहीं पर एंड नहीं हो जाता है कि भाई ऐसा व्रत करूं और मुझे जो है इसकी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैं ये काम करूं और मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी। अनेकों प्रकार के हमें जो है भौतिक वरदान कर्म कांड के विभाग में दिए हुए, वो किस लिए दिए हैं कि लोग नास्तिकता को छोड़ करके कम से कम आस्तिक बने। इसके बाद में क्या है, अब मान लीजिए आप अनपढ़ की जगह में आप स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, तो एडमिशन आप लेंगे कौन सी क्लास में लेते हैं, पहले मान लीजिए आपने LKG UKG सब पास कर लिए, आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट क्लास में, तो क्या सारी जिंदगी आप केवल फर्स्ट क्लास में बैठे रहेंगे, प्रथम कक्षा में आप जो है बैठे रहेंगे क्या? फिर आप सोचेंगे नहीं भाई प्रोग्रेस करना है, फर्स्ट का एग्जाम पास करके सेकंड में जाना है, सेकंड का एग्जाम पास करके थर्ड में जाना है, ऊपर ऊपर बढ़ना है। तो केवल कर्म कांड में ये तो सबसे नीचा है। जो लोग नास्तिक नहीं है, भगवान में आस्था है लेकिन संसार भोगना चाहते हैं, उनके लिए है वो कर्मकांड। लेकिन जब व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भाई क्या फायदा है, मैं स्वर्ग लोक तक भी चला गया, क्या फायदा है, बाद में जब मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो जो मुझे फल में भोग रहा हूँ वो भी खत्म हो जाएंगे, दोबारा बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, और जितने भी आशीर्वाद मैं प्राप्त करूंगा, जितने भी फलों की प्राप्ति करूंगा, सब नश्वर हैं, शरीर के साथ तो चले जाएंगे। तब वो क्या करता है, तब वो कर्म कांड से, कर्म के विभाग से ज्ञान की तरफ बढ़ता है। उन लोगों के लिए वेदों में अब नेक्स्ट प्रमोशन है, अब वो ज्ञान की तरफ देखते हैं, उसे बोलते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान के द्वारा वो क्या समझता है कि भाई ये शरीर तो सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर आत्मा है। तब वो आत्मा के बारे में समझता है, वेदांत पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, और इसके द्वारा जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन ये भी सब कुछ नहीं है, ये भी पूर्ण नहीं है। इसके बाद में आती है उपासना। अन्य अलग अलग प्रकार के देवतागण हैं, उनकी उपासना में व्यक्ति जो है लग जाता है। कोई सूर्य देव की उपासना में लगा है, कोई गणपति की उपासना में लगा है, कोई देवी की उपासना में लगा है। तो क्या क्या हो गए, देखिए, कर्म कांड हो गए, ज्ञान कांड हो गए, उपासना कांड हो गए। उपासना कांड के द्वारा कम से कम उसकी ये समझ में आ जाता है व्यक्ति की कि मेरे से ऊपर कोई है, मुझे उसकी उपासना करनी है। लेकिन अभी तक उसकी ये समझ में नहीं आया है कि सबसे ऊपर भगवान है, और अगर मैं उस भगवान की उपासना कर लेता हूँ तो सभी देवी देवताओं की उपासना अपने आप हो जाती है। अन्यथा आप कितने देवी देवताओं की उपासना करेंगे? वेदों के अनुसार 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़। तो क्या हम 33 करोड़ देवता को अलग अलग से पूज करके क्या उनकी संतुष्टि कर सकते हैं? इसलिए वेदों में क्या उदाहरण दिया है, वेदों में उदाहरण दिया है यथा तरोर। अगर आप एक पेड़ के अंदर में एक जो वृक्ष होता है उसकी जो जड़ होती है, मूलम, जड़ को क्या बोलते हैं, मूलम, निशिंचनेना, अगर आप उसको सींचते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो सारे पेड़ में अपने आप चला जाता है। तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये देवी देवता जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनके सबके मूल कौन है, भगवान है, आदि पुरुष कृष्ण है, नारायण है, भगवान विष्णु है जिन्हें कहते हैं। तो अगर मैं उनकी उपासना कर लूँ, उनकी भक्ति में लग जाऊं, तो ऑटोमेटिकली ये सारे देवतागण जो हैं संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं भक्ति। तो भक्ति का भी एक विभाग वेदों में दिया है, वो सबसे उत्तम, सबसे उच्च माना जाता है। ज्ञान के बाद भी
हमने जैसे देखा, पिछली कथा में भी देखा था, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो यही जो है पृथु महाराज बता रहे हैं कि भगवान, ये भगवान के भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है, कर्मियों के लिए उपयुक्त है। इसलिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मुझसे कुछ वरदान प्राप्त कर लो। मैंने आपकी भक्ति जो है, जो ये जो श्रेष्ठ महात्मा गुण होते हैं, ये केवल आपके चरण कमलों के बारे में सोचते हैं। ये कोई मन में इच्छा लेकर के आपके चरण कमल आपकी भक्ति में नहीं लगते हैं, कोई व्यापारी की भांति आपके पास में नहीं आते हैं। शुद्ध मन से केवल आपकी संतुष्टि के लिए ये जो है आपकी भक्ति में लगते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्या है, जब भक्त बुद्धिमान नहीं है, जब भक्त जो है अभी उसने भक्ति प्रारंभ की है, तो हो सकता है कि उसके मन के अंदर में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हों। तो जब उसके मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो कई बार भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो भक्ति में रुकावट है। जितने ज़्यादा हम संसार को भोगेंगे, हमको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति सिंसियर है, निष्ठा है, लेकिन मूर्ख है, अभी तक उसको बुद्धि नहीं आई है, तो कई बार भक्त जो है इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन भगवान जो है उस प्रकार की इच्छा जो उसे भगवान की भक्ति से दूर लेकर के चली जाएगी, उस प्रकार की इच्छा को भगवान पूर्ण नहीं करता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे जो है पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान, आप जिस प्रकार से एक पिता होते हैं, पिता जो है पुत्र के बिना पूछे हुए उसका अच्छा श्रेय क्या है, उसकी इच्छा को स्वयं जो उसके लिए भलाई है, जो उसके लिए अच्छा है, पिताजी जिस प्रकार से अपने पुत्र की इच्छा को पूर्ण करते हैं, आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए, जिसमें मेरी भलाई है, वो आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। तो पहले तो उन्होंने पूछा, भगवान मुझे श्रेष्ठ भक्तों का संग दीजिए, अपनी तरफ से पूछा। अब वो कह रहे हैं कि भगवान, आप तो पिता के बराबर है, आपको पता है कि भक्त की भलाई किसमें है, आपको जो मेरी असली भलाई लगे वो आप मुझे वरदान प्रदान कीजिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त जानता है कि जिस प्रकार से पिता, उनका अनुभव पुत्र से अत्याधिक है, तो पुत्र को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पिताजी ये दे दो ये दे दो। कई बार पिताजी जो है मना कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो पूछ रहा है वो सही नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहा है। तो पिता जो है अपने पुत्र की स्वयं जरूरतें पूरी करते हैं, जो उसकी भलाई है। वही पृथु महाराज पूछ रहे कि भगवान, मेरी भलाई जिसमें है, आप उसकी वो इच्छा आप जो है पूर्ण कीजिए। तो भगवान जो है बड़े संतुष्ट हो जाते हैं इनके वचनों को सुन करके, और भगवान कहते हैं कि हे पृथु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदैव मेरे चरणों की भक्ति में तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास बना रहेगा। और तुमने जो इतने सुंदर वचन जो प्रकट किए हैं, इस प्रकार के विचारों के द्वारा, इस प्रकार के दृष्टिकोण के द्वारा मात्र व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता है, अन्यथा भव सागर को पार करना आसान नहीं है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बताया है, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जिस व्यक्ति ने मेरी शरण ले ली है भक्ति के द्वारा, वो आराम से माया को पार कर सकता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो है माया को पार कर पाओगे, तुम्हें जो है उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि तुम सदैव, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी भक्ति में 24 घंटे तुम्हारा मन जो है आसक्त रहे, लगा रहे। तो ये भगवान जो है पृथु महाराज को आशीर्वाद भी देते हैं। तो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब जो है
भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। भगवान जो है पूजनीय है अत्यंत, जितने भी वहाँ पर महान संत गण पधारे हुए हैं, पृथु महाराज हैं, ब्राह्मण गण हैं, सब हैं। तो सबके द्वारा पृथु महाराज ने तो सुंदर प्रार्थनाएं व्यक्त की, उसके बाद में सभी मिलकर के जो है भगवान की वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और बाद में जो है भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और पृथु महाराज भी जो है सब कुछ पूर्ण करने के पश्चात में अब वापस अपने जो है राज्य में लौट जाते हैं। तो ये प्रसंग जो है बड़ा सुंदर प्रसंग पृथु महाराज का, इससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है वो अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में आस्था रखता है। जाने से पहले भगवान पृथु महाराज को कहते हैं कि हे पृथु, मेरे आदेशों का पालन जिस प्रकार से तुमने किया और अगर उसी प्रकार से करते रहोगे, जीवन में तुम्हें केवल शुभता मात्र की प्राप्ति होगी। तो हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। भगवान ने बड़े महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। जब तक हम भगवान के आदेशों का, निर्देशों का पालन कर रहे हैं, हमारा जीवन शुभ रहेगा। तो भगवान के सबसे महत्वपूर्ण आदेश भगवद गीता में क्या है? दो आदेश भगवान ने दिए हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं हमेशा अपने मन में मुझे रखो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु, जैसे मंदिरों में जाकर के हम माथा टेकते हैं भगवान के सामने, भगवान को नमस्कार करो। इन चार चीज़ों के द्वारा हम भगवान के महान भक्त बन सकते हैं। और दूसरा आदेश क्या है? भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम रजा, सारे धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कह करके भगवान जो है अपने धाम वापस चले गए और पृथु महाराज जो है वापस आ जाते हैं। तो अब अगला अध्याय प्रारंभ होता है, उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।